पैराव्यूअर्स, आपका स्वागत है आपके झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष में। दोस्तों, तीजों पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि जी ये जो सिंदूर है वो कई प्रकार का होता है, तो कौन से कलर का लगाना चाहिए। तब मुझे लगा कि चलिए, जहां हम बात सिंदूर की कर रहे हैं तो हम रोली मोली और रंगोली की भी कर लेते हैं, है ना। ये सभी चीजें जो है हमारे डे टू डे रूटीन में काम भी आती हैं, तीज त्योहारों पर विशेषकर, और कोई पूजा अर्चना विशेष होती है तो भी। तो सिंदूर, सिंदूर देखिए बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक एकदम तीखा लाल रंग का, और एक थोड़ा सा मैरूनिश रंग लिए हुए डार्क कलर में, और एक तीसरा जो है वो ऑरेंजिश कलर का होता है। इस प्रकार के तीन प्रकार के सिंदूर होते हैं माथे में लगाने के लिए। तो देखिए, जो न्यूली मैरिड है उनको तो लाल रंग का ही जो चमकीला वाला है वह लगाना चाहिए, और जब कोई तीज त्योहार है जैसे कि तीजे है, राखी है, दिवाली है, जब विशेष गोवर्धन पूजा है, जब आप कोई पूजा अर्चना विशेष करेंगे, अपने घर में करेंगे, सजेंगे संवरेंगे, तो उस समय भी आप ब्राइट लगाएं। जब आप बाहर कहीं जा रहे हैं, शादी ब्याह में कुछ फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, बर्थडे शॉपिंग इस तरह से जा रहे हैं, तब आप मैरून रंग का लगाएं। उसके देखिए बहुत सारे रीजन है, लिटरेचर्स में बहुत सारा कई तरह की चीजें बताई हुई हैं कि किस तरह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव देने की वजह से ऐसा करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा, जिन महिलाओं के पति पत्नी में काफी मनमुटाव है, कलह रहता है, तो वह भी डार्क कलर वाला सिंदूर लगाएंगी, एकदम तीखा लाल रंग वाला ना लगाएं। अब बात आई ऑरेंज कलर का। जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है वह हमारी जो सीनियर महिलाएं हैं, शादीशुदा सौभाग्यवती, जो 55 ऑनवर्ड्स हम लगा लें या 60 ऑनवर्ड्स लगा लें, उनको हल्का सा ऑरेंज कलर वाला लगाना चाहिए। वह वैराग्य देता है, इसलिए वह उनके लिए शोभित होता है। तो जो लोग यंग हैं, न्यूली मैरिड हैं, अभी 5-7 साल शादी के हुए, तो वो रेड कलर का लगाएं। लेकिन हाँ, वो भी जब किसी पार्टी फंक्शन में बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग में कहीं जा रहे हैं, तो मैरूनी शेड वाला लगाएं, ज्यादा तीखा वाला नहीं लगाएं। वह तभी लगाएं जब आप कहीं मंदिर में, किसी परिसर में पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, तो उस टाइम। तो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे तीनों का डिफरेंस। अब बात आती है मोली। मोली जो है वह धागा, देखिए ये इसमें आपको दिखा दे रही हूँ इस प्रकार से, ये देखिए इस तरह का भी है, येलो और इसमें ब्राइट कलर का मिला हुआ है ना, और एक ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का कलर है, आप इसमें देख सकते हैं कि रेड कलर जो है वो मैरूनिश कलर में, डार्क कलर में, और पीले के साथ में हल्का, ये कॉटन में है। तीसरा देखिए एक और ये है, गोल्ड कलर का है, आप फोटो में भी कोई और देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इसको कहते हैं सुरक्षा धागा, सुरक्षा कवच कहें आप, या जब कोई विशेष हम संकल्प करके पूजा करते हैं तो उस समय आचार्य जी बांधते हैं। तो एक तरह से ये बल देने वाला भी होता है, सुरक्षा भी है, सुंदरता और शुभता के लिए है। तो एक तो मोली में ये कि जब भी बांधा जाए तो महिलाएं जो हैं वह अपने अशुद्धि आने से पहले पहले उसको निकालते हैं। जब भी कोई विशेष पूजा अर्चना में अगर आप लगा रहे हैं, इसको बांधा जाता है, आचार्य जी ने बांधा है, आपने कोई पूजा करवाई है, तो आप उसे अशुद्धि से पहले निकाल दें, बशर्ते कि वह 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन ऐसा कुछ संकल्प लेकर के आचार्य जी ने बांधा हो कि आप इतने समय तक इसको बांधें, तब आप उतने दिन तक रखें। और जो पुरुष हैं वह ज्यादा 90 डेज तक इसको रखें, और उसके बाद में फिर उतार करके किसी बड़े पेड़ के नीचे डाल दें। विशेष ध्यान रखें कि बड़ा पेड़, पौधा नहीं, पेड़, बड़ा पेड़, उसके नीचे डालें इसको, उतार करके फिर आप उसको हल्का सा धो लें, और धोने के बाद में आप कोई बड़े पेड़ के नीचे इसको डालें। तो इस प्रकार से अगर कहीं संभव हो तो आप कहीं, अगर पूजा स्थल या आपके वहां पे कोई नदी है इस तरह से है, तो वहां पे भी आप विसर्जित कर सकते। ये रही बात, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, और डस्टबिन में मत डालें। कई बार लोग बात क्या करते हैं, उतार करके उसको अपने घर के डस्टबिन में डाल दिया और वो कूड़े के कचरे में चला गया, ऐसा न करें, वह आपको नेगेटिविटी देगा। अब बात रही कि ये जो मोली है, मोली का दोस्तों कई प्रकार के, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये कई प्रकार के शेप है ना,
इस तरह से अलग अलग। तो देखिए ये जो शेप है या इस तरह का या लच्छी नुमा बना रहता है तो वह मौली आप लें। देखिए लिटरेचर में है कि ये इस तरह से जो एकदम गोल बना हुआ रहता है, और ये तो फिर भी लूज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में इसके होल है, ये लूज है। एक इसमें आता है फोटो में भी आप देखेंगे वो एकदम बंधा हुआ है, एकदम डार्क गोले की तरह जो है, कसे हुए गोले की तरह बना हुआ है, तो वह नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में मौली को रख रहे हैं, खरीद के आप बाजार से लाए हैं, तो आप बाजार से खरीदते समय इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो मौली का जो गोला है वो एकदम टाइटली बंधा हुआ है, आप उसको न खरीदें। वह घर में रखना शुभता का कारक नहीं होता है। इसी प्रकार से हरे रंग का भी कई बार होता है, ये तीन कलर का मिक्स करके भी बनाया जाता है, लाल पीला हरा और सफ़ेद, इस तरह से तीन तीन कलर को, सफ़ेद को भी होता है, चार कलर हो गए, तो इनमें से आपस में कभी तीन को पीला सफ़ेद मिला करके, पीला सफ़ेद हरे और हरा मिला करके, कभी लाल पीला और सफ़ेद मिला करके, ये तीन धागों की भी लड़ी जो है बांधी जाती है वह अलग अलग रेमेडीज़ के रूप में। तो आप अपने घर में भी अगर हरा धागा लेकर के आते हैं, लाल लेकर के आते हैं और लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वह बॉल की शेप का एकदम टाइट बना हुआ ना, यह थोड़ी सी सावधानी। अब बात आती है रोली की। रोली देखिए पूजा में जो कि तिलक के लिए देवगणों को हम प्रयोग करते हैं, मंदिर में यूज होता है या पूजा में रखा जाता है, और जब अगर आप घर में भी पूजा करवाते हैं तो आचार्य जी उसी को गंगा जल डालकर, जल डालकर और गुलाब जल डालकर वो तिलक आपको लगाते हैं, आचार्य जी लगाते हैं, तो वह रोली होते हैं। तो रोली में भी आप वही प्रैक्टिस यूज करें। अगर आप अपने घर में कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो आप जो है लाल रंग का ले सकते हैं, ब्राइट कलर का आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें फर्क है गुलाल में और रंगोली में, आप कंफ्यूज ना हो। मंदिर पर से तो बड़े मंदिर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको गुलाबी रंग का भी मिलता है, कई प्रकार के अलग अलग कलर का भी होता है, तो वह गुलाल भी होता है, तो वह भी पूजा अर्चना में यूज किया जाता है, लेकिन वह बिंदी लगाने के लिए नहीं यूज होगा, तो इसलिए पिंक कलर का नहीं लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे उस बात से, आप समझ लेंगे। अब बात आई रंगोली की। देखिए रंगोली क्या है, हम किस लिए बनाते हैं, वह भी हम शुभता के लिए बनाते हैं, तीज त्योहारों पर बनाते हैं, कुछ घरों में प्रैक्टिस होती है, डेली घर के बाहर भी बनाई जाती है, अन्न से भी बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की दालों से बनाया जाता है। तो अगर सबसे अच्छा तो यही है कि आप शुभता के लिए जो है अन्न से ही बनाएं, आटे से बना लें, आटे का जो छान होता है आप उससे बना सकते हैं, चावल के आटे से बना सकते हैं, दालों से बना सकते हैं, तो रंगोली बना करके, ताकि जब आप रंगोली को हटाएं, विसर्जित करें, तो वो सारी जो आपकी सामग्री है वह आप किसी बड़े पेड़ के, पीपल के पेड़ के या बरगद के पेड़ के नीचे डालें, ताकि उसको जीव जंतु पक्षी चींटियां वो खा सकें, उनको भी लाभ होगा। तो आपने अगर तीन दिन रखी, पाँच दिन रखी रंगोली, तो उसके बाद में आप उनको डालें तो उनको भी लाभ हो जाएगा, तो और नेचर में चली जाएगी चीज़। अब बात रही कि जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, कलर्ड होता है, और कई बार जो आप देखते हैं कि बालू रेत के ऊपर भी अलग अलग कलर मिक्स किए होते हैं, वो रेत होता है, उससे भी रंगोली बनाई जाती है। कलर्स भी होते हैं, पेबल्स होते हैं, तरह तरह के पत्थर होते हैं, पत्थरों से भी जो कलर्ड होते हैं और उससे भी रंगोली बनाई जाती है, फूलों की पत्तियों से भी रंगोली बनाई जाती है। तो दोस्तों जब आप ये रेडीमेड सामान यूज कर रहे हैं, चाहे सैंड हो गया, बालू हो गई, या फिर आप लकड़ी का बुरादा यूज कर रहे हैं, या फिर आप पेबल्स को, तरह तरह के पत्थर को यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको कलर का विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये सब रोली रंगोली मोली आपको एक साथ बताऊं कि इसमें आप ब्राइट कलर्स लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट कलर्स लेंगे, इसमें आप सिल्वर ग्रे ब्लैक है ना, इस तरह के कलर्स जो हैं, डल शेड्स जो हैं और ये नेगेटिव ऊर्जा देने वाले कलर्स, इनको आप न यूज करें, कम से कम यूज करें। कई बार बच्चे जो हैं कॉम्बिनेशन करने के लिए उनको अच्छा लगता है तो वो यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप शुभता के लिए कर रहे हैं, किसी तीज त्योहार पर, फेस्टिवल पर कर रहे हैं, तो आप ये कलर्स ना लें। हाँ कहीं पे कंपटीशन है, कोई वैसे प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे बच्चे बना रहे हैं, तो बात अलग है, तब यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने घर में या किसी देव स्थल में, पूजा स्थल में आप बना रहे हैं रंगोली, तो इन कलर्स को अवॉइड करें। और जब पूजा अर्चना करते हैं तो दोस्तों ब्लैक कलर के या ग्रे कलर के इस तरह के कपड़े भी नहीं पहने जाते हैं, आप स्वयं ना पहने और अपने बच्चों को भी उस दिन ना पहने।
अब बात आती कि हम कलर्स कौन कौन से लेंगे। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, हालांकि मैंने रंगोली में बताया हुआ है कि तत्व प्रधानता भी होती है, लेकिन आप व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, वाइब्रेंट कहने का मतलब है कि आप तीखे वाइब्रेंट कलर के लिए जो कि ब्राइट कलर्स हो, ताकि रंगोली सुंदर भी लगे और शुभता भी प्रदान करे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि सबको इस जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।